हमें ये दुख आता है बताते हुए कि सभी को सब कुछ मिल रहा है, हम आशा वर्कर के एक ऐसे हैं जिन्हें हमें कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? हम ये अपने अड़ी साहब से और सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे घर में हमें जरूरत नहीं है किसी की? हम दो बोलती हूँ सबका, आप सब का धन्यवाद करती हूँ कि हमारी को ये आवाज़ सुन के आप सभी हमारे इस दुख भरी आवाज़ सुन के सभी पहुँच आए हैं। सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और ये हमारी आवाज़ डीसी साहब तक पहुँचनी चाहिए क्योंकि हम ऊपर तक पहुँचनी चाहिए क्योंकि हम बहुत कठिन काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें इलेक्शन ड्यूटी में भी लगाया जाता है और जब का ये कोरोना आया हुआ है तब तक हम कोरोना में भी ड्यूटियाँ लगातार दे रहे हैं, सबके साथ कोविड सेंटर में, कोविड कंट्रोल रूम में, सब में दे रहे हैं, गांव गांव में, घर घर में, डोर टू डोर ड्यूटी दे रहे हैं, विजिट दे रहे हैं, कोविड के अपने टेस्ट वगैरह हम सभी कर रहे हैं। हमें ये दुख आता है बताते हुए कि सभी को सब कुछ मिल रहा है, हम आशा वर्कर के एक ऐसे हैं जिन्हें हमें कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? हम ये अपने अड़ी साहब से और सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे घर में हमें जरूरत नहीं है किसी की? हम 2006 से लेकर आज तक सभी काम कर रहे हैं, जो भी सरकार ने हमें उसे आर्डर भेजा, डीसी साहब ने आर्डर निकाला, अपने हॉस्पिटल में हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और कोई भी हमारी मीटिंग होती है हम अपने रजौरी जाके डीसी साहब के पास, लोक मित्र के साथ, अपने सरपंच पंच के साथ, कोई भी घटना बीतती है एक्सीडेंट से लेकर डेथ एंड बर्थ तक हम सभी काम कर रहे हैं। हमें ये बताओ कि हमें सैलरी या हमें हमारा क्यों हक क्यों नहीं दे रहे? हमारा कहाँ कहाँ काम जो ये नहीं हो रहा बताया जाए? आप नहीं बोलना चाहते? हम ये चाहते हैं कि उनको सैलरी 10-10 हजार, 70-70 हजार के साथ, उनको 7-7 हजार, मेरे साथ तीन लड़के हैं, तीनों को सभी के साथ, एक मेरे साथ नहीं, सभी के साथ, टीचर लगे हुए हैं, जो भी सर्विस लोग लगे हुए हैं, सबकी सैलरी आ गया। क्या हमें दुख नहीं आता? हमारे घर बच्चे नहीं है, हमारे साथ पेट नहीं है। जब हम आप लोगों की डिमांड हमें पहले नंबर तो हमारा जो है इलेक्शन ड्यूटी का पैसा आज तक नहीं मिला, हमने डोर टू डोर सर्वे किया उसका पैसा नहीं आया। दूसरी बात, तीसरी बात ये, हम जब भी कोरोना सेंटर में लगे हुए आज तक किसी ने हमें कोई पैसा नहीं दिया। क्या सरकार कहाँ सो रही है? सरकार को पता नहीं है कि इतनी लड़कियां कहाँ काम कर रही हैं? कितने समय से आपको सैलरी नहीं मिली है? सैलरी मिली नहीं, कहाँ मिली है? क्या मिली है? कोई नहीं मिल रही हमें। 2006 की लगी हुई है, 14-15 साल बनते हैं, तब जब हम लगे थे 5 रुपए किराया था, आज वहाँ का 15 रुपए, सबको पता है, डबल किराया दे के हम जहाँ पहुँच रहे, क्या हम किससे मांगे? कैसे हमने जब फोन करते हैं, जाओ जी आशा वर्कर पहले होनी चाहिए, आशा वर्कर के पेट में भी कुछ होना चाहिए, उसके जेब में भी कुछ होना चाहिए। कौन सी गाड़ियां दे रही है सरकार हमें? कौन सी गाड़ियां दे रही है जिसमें हम बैठ के चले जाएं? हमारी आवाज क्यों नहीं सुनते? हम आज भी हमें बोल रहे हैं कि काम करो काम करो, हम करेंगे काम, हम खुशी से करेंगे, डट के करेंगे, मान से करेंगे, लेकिन हमें पैसा क्यों नहीं दे रहे? हमें ये भी तो चाहिए ना। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो हमारे आर्डर क्यों निकाले थे? ऑर्डर क्यों निकाले? अब क्या करते हैं टीचर लोग? क्या करते हैं सरपंच लोग? क्या करते हैं? वो बोलते हैं बस फटाफट मैन जी आप वहाँ पहुंचो नहीं तो आपको निकाला जाएगा। ये कौन सी धमकी है हमारे लिए? अब हम बाद में वो गाड़ियों पे आते हैं, हम पैदल चल के कसियां नाले क्रॉस करके चली जाती हैं। क्या हमारे लिए सरकार के पास कुछ नहीं है? हमें इस बात का जवाब चाहिए। ठीक है। चक जराला की आशा हूँ, सब सेंटर बगनोटी है, मैं 2006 से लगी हूँ और ईमानदारी से अपना काम अंजाम दे रही हूँ, पर दुख इस बात का है कि हम अपना काम जो था हमारा जो हमारे जो सेंटर हेल्थ का रिलेटेड जो हमारे काम थे वो हम बखूबी निभा रहे हैं, पर जो हमें लोक मित्र का काम दिया गया हमें लगाया था खाली मदर और हमारे को सिर्फ काम मिला था माँ और बच्चे की देख रेख के लिए, उनकी सेवा करना, उनका हॉस्पिटल ले जाना, हॉस्पिटल से घर ले जाना, माँ और बच्चे की केयर करना, पर 6-7 महीने से हमें लोक मित्र का काम दिया गया, इसमें हमें इतना काम मिला कि हम खाना भी भूल जाते हैं। तो दुख हमें इस बात का है कि जो लोग हमारे साथ लगे हुए हैं उनकी 50-50, 60-60 हजार सैलरी आती है तो उनको भी TADA मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी अपनी तरफ से, अपनी सभी बहनों की तरफ से, कि हमारी सैलरी दी जाए और हमें भी कोई इज्जत दी जाए।
जब हम काम करके घर आते हैं तो घर वाले पूछते हैं क्या क्यों गए थे, क्या लाया, क्या किया है। जब हम आते थे इधर तो 5 रुपए किराया था बगनोटी से नुशारे का, अब 20-20 एक तरफ का किराया 20 रुपए। हम क्या करें, अब जब गवर्नमेंट नहीं हमें कुछ दे रही, हमें गवर्नमेंट नहीं कुछ दे रही, तो हमें अपना इंसाफ चाहिए। मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ।